हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाऊंगा वो सैमसंग J2 के जो है ना चार्जिंग वे के बारे में बताऊंगा। देखिए, चार्जिंग वे किस तरीके से डिज़ाइन है फ़ोन में वो बताऊंगा, उसके सारे पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस फ़ोन में मतलब क्या प्रॉब्लम है J2 की, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बेसिकली जो है इसमें वो सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है पॉजिटिव पॉइंट है, इसकी जो वे है वो इस तरीके से है फ्रेंड। वहाँ पे लगा हुआ एक कैपेसिटर है जहाँ से इसकी वे डिज़ाइन की गई है बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद जो है ना बीच में आपको RX TX के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो बेसिकली डिज़ाइन है वो आपको ऑन वे बोर्ड की डिज़ाइन पे दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड कि किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए, वहाँ से जो पॉइंट है वो बेसिकली वहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वहाँ पर ये अटैच है। ठीक है, उसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट भी उसके जस्ट बाजू में रेजिस्टेंस लगा है, वहाँ पर अटैच है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद वाला जो फ्रेंड ये है, ये पॉइंट है ना, ये देखिए उसके ऊपर वहाँ उसके जस्ट बाजू में एक और रेजिस्टेंस दिखेगा आपको जहाँ पर ये अटैच है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर पैरल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस पॉइंट पर भी इसकी सप्लाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे चार्जिंग वे हैं। बाकी के जो दो पॉइंट्स है फ्रेंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है ना ग्राउंड है, और जो मैंने फर्स्ट वन आपको नहीं बताया है, छोड़ दिया था फर्स्ट वन, वो पॉइंट क्यों होता है, वो इंडिकेट करता है फ़ोन में कि चार्जिंग लगा हुआ है या नहीं। तो वो पॉइंट की जो सप्लाई है उसके सारे कंपोनेंट सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, वो इस तरीके से फ्रेंड ये पॉइंट जो है इंडिकेट करता है कि फ़ोन में चार्जिंग प्लग हुआ है। इसके लिए सैमसंग के ये न्यू मॉडल्स में ये पॉइंट अलग से ऐड किया हुआ है। पहले पिछले जो फ़ोन्स थे उसमें ये पॉइंट नहीं था। देखिए, इसकी जो वे थी वो इस तरीके से थी, यहाँ पर आपको देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से इसकी जो फर्स्ट वे है वो है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है चार्जिंग लगा है या नहीं फ़ोन में। ठीक है, बाकी वोल्टेज जो है पॉजिटिव पॉइंट अगर हम कहें तो वो चौड़ा वाला है जो वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और एक कैपेसिटर तक गया है। तो इसकी जो कॉल टेस्टिंग की रीडिंग होती है ना फ्रेंड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉल टेस्टिंग की रीडिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट 655 ओम्स के आसपास आएगी अगर आप कंटिन्यूटी की रेंज पर रख के चेक करते हो तो। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियोस में कि कैसे कनेक्टर को रिप्लेस करना है, J2 के फ़ोन को ओपन कैसे करना है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। ठीक है, तो इसके कनेक्टर की वेज को मैंने अभी इस क्लिप में बता दिया है आपको कि कैसे करना है। तो आगे चलिए अभी जो है ना प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ कि उसे कैसे करना होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है आप देख लीजिए, फर्स्ट जो दो पॉइंट है वो ग्राउंड थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी जो है ना हम प्रैक्टिकल के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है अभी हम इसमें चार्जिंग लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैटरी कनेक्टर पे कोई आउटपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो ये चार्जिंग मैंने लगा दिया है फ़ोन में। अब मैं आपको फ़ोन को 20 वोल्ट की रेंज पे रखना हूँ और उसके बाद देखिए ब्लैक पोल को ग्राउंड करके हमने पॉजिटिव पोल, ये सारे किसी भी पॉइंट पर जो है ना रीडिंग नहीं आ रही है। तो अभी हम इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ़ोन को ओपन करने के लिए जो अंदर ये सारे स्क्रूज दिए हुए हैं जिसे आप ओपन करके उसके बाद जो है ना स्ट्रिप को प्यार से निकालिए, क्योंकि ब्रेक होने पे जो है इसकी डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। ये जो है हेडफोन जैक की स्ट्रिप थी। ठीक है, अभी जो है नीचे ये वाइब्रेटर की स्ट्रिप है, इसे भी निकाल देंगे। और ये रहा J2 का मदरबोर्ड। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड है जिसमें हमें अभी कनेक्टर को रिप्लेस करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टर को कैसे हीट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, उसके बाद किस तरीके से लगाएंगे। देखिए, तो ये देखिए ये जो बोर्ड है ये, उसके बाद जो है इसे कनेक्टर को निकालने के लिए अभी थोड़ा साइड में रख लेते हैं उसको, क्योंकि आपको दिखेगा कैमरे में। उसके बाद जो है ना अब कनेक्टर को नीचे से हीट करेंगे थोड़ा, और उसके बाद जो है उसे उठा लेंगे थोड़े हीट होने के बाद। थोड़ा IP लगाइए फ्रेंड, सॉरी पैच लगाइए वहाँ पर। पैच लगाने से क्या है, वो जल्दी डिसोल्ड होगा और उसके बाद फटाक से निकल जाएगा विदाउट एनी डैमेज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रिंट जो है ना वो साथ में निकल जाती है कनेक्टर के। तो
तो इसलिए आज प्रॉपर हिट कीजिए और पूरा प्रेशर मत लगाइए, वो आराम से निकलेगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए कनेक्टर निकल चुका है। अभी जो न्यू कनेक्टर को कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्टर को जो है ना लगाने का एक ईजी तरीका है फ्रेंड। आप जो है ना उस पॉइंट कनेक्टर की जो प्रिंट होती है ना, जो पीछे पट्टी निकली होती है, उस पट्टी पे आपको शोल्डर लगाना है। थोड़ा पेस्ट लगा के शोल्डर लगाइए, तभी वो स्टिक करेगी प्रॉपरली और एकदम मतलब ज़्यादा लाइफ तक जो है ना ज़्यादा दिन तक वर्क करेगा, ठीक है। तभी उसे हम सोल्ड कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए आप थोड़ा पेस्ट लगाइए उस पर, उसके बाद जो है ना पेस्ट लगाने के बाद वहाँ पे देखिए वो जो सारे पॉइंट है उस पर सोल्डिंग अटैच कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ही सोल्डिंग का जो वायर है वो थोड़ा ही लगाइए सोल्डर पे, क्योंकि ज़्यादा लगाने से पिन शॉर्ट हो जाएगी और फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम होगी उसे निकालने में। तो इसलिए हल्का हल्का खाली इस पर अटैच कीजिए कि एक लेयर बन जाए, उस जो पॉइंट है ना सारे उस पॉइंट पे एक लेयर बन जाए, ताकि आप सोल्डिंग जब करें उस पर मतलब अगर ब्लोअर से हीट करके लगाएं तो प्रॉपरली स्टिक कर जाए, ठीक है। तो अभी ये सोल्डिंग कर रहा हूँ मैं, उस पर एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हम लगाएंगे इसे। देखिए लगाने के लिए भी सिंपल सा तरीका है फ्रेंड। आप बोर्ड को पहले हीट कर लीजिए अच्छे से, ताकि जो है ना हीट करने की वजह से खाली आपको वहाँ पे कनेक्टर रखना है, क्योंकि अगर आप साथ में रख के हीट करोगे ना तो कनेक्टर जलने का जो है डर रहेगा। तो देखिए अभी हीट करने के बाद तुरंत ही मैं वहाँ पे प्रेस करूँगा कनेक्टर को। अभी हीट हुआ है बोर्ड, ब्लोअर के टेम्परेचर को आपको ऑलमोस्ट 500 पे रखना है, 5 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए अभी ये हीट हो गया, प्रॉपरली स्टिक कर गया। अभी उसे फिटिंग थोड़ा प्रेस करेंगे नीचे से हल्का सा हीट करके। ऑलमोस्ट डन है, ये लग चुका है, ठीक है। तो अभी जो है ना इसके सारे पॉइंट्स अटैच हुए हैं प्रॉपरली। अभी इस पर जो आईपीस लगी है ना फ्रेंड, पेस्ट लगी है, उसे हम निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। पेस्ट को निकाल के देखिए साफ कर लेंगे बोर्ड को थोड़ा। वहाँ पे माइक भी लगा है, आपको उस माइक को ध्यान में रखना है साफ़ करते हुए, क्योंकि अगर उसमें आईपीस चली जाएगी तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अभी इसे अच्छी तरीके से थोड़ा क्लीन कर देंगे। अभी ये साफ़ हो चुका है, फिटिंग करेंगे अभी इसे। देखिए मैंने ऑलमोस्ट बोर्ड में जो है वो फिटिंग कर दिया है। तो अब फ़ोन को जो है पैक कर लेंगे फॉर्म रन, फटाफट से पैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं। फिट करने के लिए देखिए एकदम इजी है, आप ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिए क्योंकि टच टूट सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे जो फिटिंग करने के लिए आप प्रॉपर जो है ना निकालने और फिटिंग करने के लिए प्रॉपर जो है तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि क्या है एकदम कोल्ड माइंड से, क्योंकि क्या है अगर ये टच हल्का सा भी ब्रेक होगा तो चांसेस है कि इसे पे करना पड़े। ये टच और डिस्प्ले जो कॉम्बो सेटअप है फ्रेंड, जो भी फ़ोन्स के आ रहे हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से आप वेरी केयरफुल होकर रिपेयर करें ऐसे फ़ोन्स को। देखिए अभी इसे फिटिंग कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट ये पैक हो चुका है। तो अभी मैंने इसे पैक कर दिया पूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है चार्ज हो रहा है या नहीं, ठीक है। सारे स्क्रूस लगा दिए मैंने, बैटरी लगा के हम चेक करेंगे चार्जिंग हो रहा है या नहीं, ठीक है।
अभी ये फोन ऑन हो रहा है। देखिए अभी ये ऑन हो चुका है, मैं आपको चार्जर रिमूव करके दिखाता हूँ कि ये फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं। देखिए चार्जर रिमूव करने के बाद इंडिकेट नहीं हो रहा, उसके बाद चार्जर लगाने के बाद तुरंत इंडिकेट हो रहा है फ्रेंड। तो अभी ये फ़ोन ओके हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इन फ्यूचर आप मेरे ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट्स हो वीडियो से रिलेटेड वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।